हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपको जैसे कि हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके यूपी जीके की 6 क्लास हम करा चुके हैं। ये 7वीं क्लास है। जिस बच्चे ने 6 क्लास ना देखी हो वो पुरानी 6 क्लास देखें। बहुत ही बेसिक चीज़ें करा रखी हैं और बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में हमने वो चीज़ें कम्प्लीट करा रखी हैं। ठीक है, आज पहले चैप्टर की ये लास्ट क्लास होने वाली है, और जिसके साथ हम क्या करेंगे, प्रमुख संगठन लेकर आएंगे। प्रमुख संगठन क्या है, ये क्लास 7th के अंदर है और ज़्यादा बड़ी हमारी क्लास नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। टोटल मिला के 13 क्वेश्चन हैं जो प्रमुख संगठन हैं जो पहले आए हुए हैं, और उसके साथ बिल्कुल भी संगठन नहीं होंगे, मतलब इसके अलावा कोई भी और संगठन नहीं आएगा, बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संगठन कौन सा है, सबसे पहला संगठन दे रखा है हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन। नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में क्या हुआ था, ये बना था। नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना था, 1962 में बना था। ठीक है, तो सबसे पहला संगठन कौन सा है, नागरिक सुरक्षा संगठन है जो 1962 में बना था। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं, जो प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है ये कहाँ पर है और कितने केंद्र है, 17 जिलों में स्थापित है। ये कहाँ पर स्थापित है, 17 जिलों में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए, कहाँ पर किए गए, 17 जिलों में स्थापित किए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो CM होते हैं। किसका, जो आपदा आती है इसके प्रबंधन जो होते हैं प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं अपने CM, इसके अध्यक्ष होते हैं। और 2005 में इसका संगठन हुआ था। ठीक है, 2005 में क्या हुआ था, इसका संगठन हुआ था। और CM कौन, मतलब मुख्यमंत्री, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, आप सभी कमेंट में करके बताइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और CM कौन कौन है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि क्या चीज़ है, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि क्या है, 1200 करोड़ रुपये है। कितने, 1200 करोड़ रुपये, जो उत्तर प्रदेश आपदा मोचन निधि के लिए, यानी कि इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट आता है, और उसमें क्या करता है कि उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया वो 9 मार्च 1993 में किया गया। कब किया गया, 9 मार्च 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया 1994 में किया गया। किसमें किया गया, 1994 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन किया गया 1993 में, और अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है 1994 में किया गया। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि मानवों के लिए जो आयोग बनाया गया वो कब बनाया गया, सन 2002 में बनाया गया, 7 अक्टूबर सन 2002 में ये इस्टेब्लिश किया गया, इनकी स्थापित किया गया। और राज्य सूचना आयोग यानी कि राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया है, और इसका संगठन हुआ है वो कब हुआ है, वो राज्य सूचना आयोग का जो संगठन हुआ है सन 2005 में हुआ है। कितने में हुआ है, सन 2005 में हुआ, और इसकी स्थापना कब हुई, ये 2005 में स्थापना हुई है। डेट क्या थी, 14 सितंबर थी। ठीक है, राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन किया गया, यानी कि राज्य जो महिला आयोग है इसका विधिवत जो गठन किया गया है सन 2004 में किया गया, अगस्त के माह में, और सन 2004 में राज्य महिला आयोग का विधिवत संगठन किया गया, यानी कि महिलाओं के बारे में सुनी जाएगी और उसके बारे में संगठन किया जाएगा। राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्य सुरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और इनका जो संगठन होता है वो कब होता है, 12 जुलाई सन 2013 से। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग का जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का गठन किया गया 12 जुलाई सन 2013 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया
संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया सन 2013 में किया गया, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया, सन 2013 में ये गठन किया गया। एनआरआई विभाग का गठन किया गया, जो हमारे एनआरआई विभाग का जो गठन किया गया प्रवासी भारतीयों हेतु किया गया वो कब किया गया, 18 जुलाई सन 2013 में। यानी कि जो एनआरआई के लिए, जो एनआरआई कौन होता है, जो बाहर से विदेश आते हैं, जो कैनेडियन होते हैं या फिर कोई विदेशी होते हैं वो बाहर से रह के जो हमारे देश में आते हैं उनको एनआरआई बोलते हैं। तो एनआरआई का जो इनके लिए एक विभाग का गठन किया गया जो प्रवासी भारतीयों हेतु, यानी कि जो बाहर जो भारतीय रहते हैं, भारतीय जो रहते हैं और वो बाहर कहीं अपना बसने चले जाते हैं काम के उससे चले जाते हैं, तो फिर वे वहीं पर अपनी नागरिकता ले जाते, तो फिर जब वे वापस आते हैं तो उनको प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय बोलते हैं या फिर एनआरआई बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये इनका इनके लिए एक विभाग का गठन किया गया 18 जुलाई सन 2014 में। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के प्रवासी भारतीयों की सुविधाओं के लिए एक इसका संगठन का बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया, वो लखनऊ के अंदर अंतर्गत बनाया गया माइग्रेंट रिसोर्स के नाम से, ठीक है। तो हमारी क्लास होने वाली है, देखिए 5 मिनट में हमने ये सारी चीज़ के लिए, मैंने कहा था ना कि ये सारी आज बहुत छोटी क्लास रहने वाली है, बहुत छोटी क्लास रहेगी, चलो तो एक जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं, क्विक रिविज़न, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, राज्य जो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन जो किया गया वो 1962 में किया गया। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया वो 17 जिले में किया गया, जो नागरिक सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया 17 जिलों में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा, आपदा क्या है, मतलब कोई भी नेचुरल आपदा आएगी जो प्रकृति के हिसाब से आती है, तो उसका संगठन में एक प्राधिकार अध्यक्ष बनाए गए, वो CMG होते हैं। सन 2005 में ये सब प्रोसेस हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि, आपदा मोचन एक निधि बनाई गई, तो वो निधि कितनी बनती है, 1200 करोड़ रुपए इसमें लागत आती है। पांचवा क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जो 9 मार्च 1993 में इसका गठन किया गया, और अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया 1994 में किया गया, और राज्य मानवाधिकार जो आयोग का जो गठन किया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया सन 2002 में किया गया। राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया, इसका राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया वो 14 सितंबर सन 2005 में किया गया। राज्य महिला आयोग का जो गठन किया गया, विधिवत जो गठन किया गया वो सन 2004 में किया गया। महिलाओं से रिलेटेड जो सूचना आयोग है वो 2005 में, और महिलाओं से रिलेटेड जो आयोग बनाया गया वो 2004 में बनाया गया। राज्य सुरक्षा आयोग का जो गठन किया गया, सुरक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, CM होते हैं, CM यानी कि मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष राज्य सुरक्षा आयोग के, और इसका जो गठन किया गया सन 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग का जो गठन किया गया सन 2013 में किया गया। राज्य बाल अधिकार यानी कि बालक बच्चों के लिए जो अधिकार के लिए बनाया गया सन 2013 में बनाया गया। एनआरआई विभाग का जो गठन किया गया प्रवासी भारतीयों हेतु किया गया, किसके लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए किया गया, जो 18 जुलाई सन 2014 में किया गया। उत्तर प्रदेश ई माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का प्रवासी भारतीयों की सुविधाओं के लिए एक गठन जो किया गया था वो किस जगह किया गया था, वो लखनऊ में किया गया था। तो आप सभी का उत्तर प्रदेश GK में रोहन बढ़ाना के साथ आप सभी का उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कंटेंट अच्छा रहा हो तो कमेंट करें। आप सभी को मेरा राम राम।